जी हम अभी आए हुए हैं गांव में और आपको गांव की सुबह दिखाते हैं और अभी जाके अमजद से भी मिलवाते हैं आपको। आगे कुत्ता तो नहीं पाएगा ना, नहीं, फ्री होने की कोशिश नहीं करनी साढ़े नाल, असि तेरे नाल बिल्कुल फ्री नहीं होना। अभी मैं आपको उस गांव में लेके आई हूँ जिस गांव में मैं बिल्कुल बचपन में आया करती थी और मेरा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर गुजरा है। अभी अमजद के पास आपको लेके जाते हैं। ये देखिए, डोगी तो नहीं है, आ जाओ। ये देखिए, ये भाई खालकी है और ये भाई अमजद के हम साए हैं। अभी अमजद की तरफ भी जाएंगे तो मैंने इनको देखा, मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं भाई खालकी के। ये भाई खालकी की भैंस है माशाल्लाह। जजाकल्ला, हाँ जी राती। अच्छा, और सब राती आए हम की कर रहे है। अच्छा, वो पता नहीं मिसाल है या फिर बात है, वो आपने कहा है ना, वो सुना होगा ना कि डरी हो गां तरह मैनू वेखन ले आए। हुण वेखना अमजद, अमजद की हवेली में मैं जब भी आऊँ इसकी गायें वैसे मुझे ऐसे देखती हैं, सारी डरी हुई होती है, एक्टिव हो जाती है, कोई इधर को भाग रही, कोई इधर को भाग रही, जैसे उनको मैंने अभी हिलाल करना है। आज देखना अमजद सामने हवेली में दरवाजे से अभी देख रहा है। इसका मेरे साथ जितना ज्यादा प्यार है ना, इसकी भैंसी उतनी ज्यादा मुझसे डरती है। अब देखना, ओ ओ, ओ दिखा, ओ गया, आगे आगे भाग गया, वो देख, वो देख, इसकी भैंस देख, इसकी भैंस दिखा, ये दिखा, ये अब सारी इनको दिखा। मैंने क्या खुरली ना तोड़वा दे, बेला नहीं, अबे खुरली टूट गई, मैं क्या कहा इनको, मेरे कुछ कहा इनको, अब इधर आओ जरा, इनको भी देख, बेला तड़का से नहीं दे ना, थोड़ा सा गा ना जाए। ए देख, ये सब इनको मैंने कुछ कहा है, मैं आपके सामने बैठ दी हवेली में आई हूँ और इसकी हवेली में मैं जब भी आऊंगी ना, इसे इन्होंने ऐसे ही उधम मचाया। ए मैंने कुछ कहा है आप लोगों को, दे देखती देखती तो देख क्या। चलो बैठ जाओ इधर, मैंने कुछ कहा है तुम्हारी भैंसों को? नहीं कुछ नहीं कहा। ऐसे क्यों करती, मुझे इतना इरिटेट फील होता है ना जब भी ये ऐसे करती है ना, मुझे इतना बुरा लगता है ना, मैं हवेली में आती हूँ वो देखो भागने दौड़ने शुरू कर देती है। अच्छा बजा, मुझे ये बताओ पहले क्यों करती है ऐसे? वो आपसे डरती है। क्यों डरती है? पता नहीं क्यों डरती है। तुसी मेरे नाल पंजाबी बोल सकते हो? ठीक है, सही है ना? ठीक है, और वीडियो बन रही है, व्लॉग बन रहा है, ठीक हो गया। और जो है ना, मैंने पहले ही बता दिया भाई कि मेरे को वो बात सुनी होगी आपने कि दरियो गां तरह वेख दे, ठीक है, तुसी बात सुनी है, आज तनु खा भी देना डरियो गां, ओ दिखा डरियो गां, ओ ये दिखा डरी हुई गां, ये देख। हाँ सहेली, मैंने कुछ कहा है आपको? हैं क्यों खड़ी हो ऐसे? और देख, और देख, ले, और देख, और देख, और देख, और देख, और देख, और देख, ओके, और देख। हाँ जी सहेली, मैंने आपको कुछ कहा है? क्या मसला है आपको? हैं क्यों डरी हुई हैं? ओहो, सबने कैसे मुंह उठाए हुए, ओह कह रही पास आओ मैं तुम्हें मारूंगी। ए चले चल, फ्री होने की जरूरत नहीं मेरे साथ। मैं बहुत बचपन में आया करती थी और एक मेरी माँ है जिसने मुझे पैदा किया है और एक और माँ है जिसने मुझे पाला है। तो फिर ये कहानी मैं किसी दिन बताऊंगी फिर सारी स्टोरी, और उसके साथ में आती थी जिसने मुझे पाला है, जिस माँ ने मुझे पाला है, और उसके साथ में आया करती थी। उनके मेके हैं और ये भाई अमजद उस माँ के भाई हैं और मैं उनसे भी मिलवाऊंगी और वो सारी स्टोरी जो है ना सारी आपको फिर मैं सुनाऊंगी। और उनके साथ उंगली पकड़ के मैं आया करती थी, है ना, जैसे मतलब कि अपने नानी नाना के गाँव में बच्चे जाते हैं तो मैं अम्मी के साथ आया करती थी, अपनी जिसने मुझे पाला है उसके साथ यहाँ इस गांव में। तो ये उस हिसाब से अगर देखें तो ये मेरे मामू भी लगते हैं, है ना, सारे गांव वाले जो है ना, जब मैं उनके साथ आती थी ना तो मेरे भाई भी। अच्छा, तो सारे जो है ना भाई,
ऐसे कहते थे गांव वाले, कहते थे गुड्डी दे बच्चे आए ने, गुड्डी दे बच्चे आए ना। खे पूरी हो गई है, नहीं 3 बजे आ गए थे उठ के। हाँ काट लिया तारा मैडम, ठीक ठाक बना दी मेरी मज्जा ड्रोन देगी शुक। मैं मज्जा ड्रोन नहीं हाँ, वेख मेरी मज्जा नु डराउन दे, तेरी मज्जा आपे ही डरिया हुई ने, जिस तरह इन्हां ने किसी ने वेखे नहीं हुंदा। हाँ कि बकरियां जो है ना ये नहीं डर रही, ये अल्लाह का शुक्र है। असीं हुणे ही चलिया जाना वा, कणक दा की करना, तुहानूं नहीं पता की करना वा। मिंट बंद कर वे, जरा बंद कर दी मैं पहले इन्हू छड्ड। की गल है, तैनूं कुछ क्या वा? पानी नहीं तेरे नाल पीना, जरा रख 2 मिंट फिर टिकटॉक फेर बना ले। मैं होनी बनावांगी आज, मेरी इना नाल जिद दे, सारा दिन गर्मी है, ए जिन्ना डरन गया मैं उन्ना ही डरावांगी। डरा फिर मेरे कोल की है जेड़ा मेरे कोल डरदियां। और माशाल्लाह पूरे गांव में इसका रिकॉर्ड है, बहुत अच्छी गाय भैंसों की देखभाल करता है, सारी हवेली खुद साफ करता है, और इनकी रखवाली और इनका खाना पिलाना सारा कुछ यही करता है, अमजद ही करता है। और माशाल्लाह इसको बहुत नुस्खे आते हैं, और इसको वीडियो में तो आपने देख लिया, जो पास पास गांव वाले हैं ना, अगर उनको भैंसों के कोई नुस्खे चाहिए या उनके कोई देखभाल के लिए, उनके इलाज के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए, ज़्यादा दूध लेने के लिए, अगर आपको नुस्खे चाहिए तो आप अमजद के पास आ सकते हैं, ठीक है ना। 2 साल की 2.5 साल की भैंसें उसकी छोटियाँ कटियाँ क्या सुन दी। हाँ, और इसकी जो भैंसों की बच्चियाँ होती हैं ना झोटियाँ, वो जो है ना 2-2.5 साल की बच्चे दे देती है माशाल्लाह, और उनके नीचे दूध भी ज्यादा से ज्यादा होता है। अच्छे दी मूवी बना के क्या 1 साल का है। इधर आओ जरा, आप ये माशाल्लाह देखो, ये 1 साल का है देखो माशाल्लाह, और इसके घर का ही है, इसकी गाय का है। और पिछले दिनों में इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, नुकसान ऐसे हुआ था, बाहर भैंसे जो है ना इसने बांधी हुई थी, तो जो ऊपर से ना वो क्या उसको कहते हैं, वो जो जिसको आग लगाई है। अस्सलाम वालेकुम। तो ने जो बाहर ना इसने बाहर ये ना गाय भैंस से बांधते थे, अंदर ये सोया हुआ था, तो जो ऊपर छांव के लिए इसने ना क्या उसको कहेंगे अब मुझे तो समझ नहीं आ रही, छत डाली हुई थी, और उसके ऊपर ना सारे खुश्क पत्ते ये वो ऐसी चीज़ें थी, दरख्तों की टहनियाँ और काने ऐसी चीज़ें थी, उसको किसी ने आग लगा दी और उसके नीचे इसके जितने जानवर थे ना सारे जल गए थे। अल्लाह मुआफ़ करे, अल्लाह मुआफ़ करे। तो इतनी अच्छी अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें थी ना, 5-5 लाख की, 4-4 लाख की, तो वो जल गई थी। तो अब ये दोबारा से इसने फिर मेहनत की है और अल्लाह ने फल लगाया है। ये मेरी बहुत अच्छी सहेली है, महक सहेली भी है, मैं इनके मामू भी हूँ, इन्होंने मेरा बहुत अच्छा साथ किया, बहुत मदद की, मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, तब तक मैं इसलिए इस अंदाजे तक पहुँचाऊँ कि ये मेरा सब कुछ इनकी वजह से है। नहीं नहीं, ये आपकी मेहनत है, इसने बहुत 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 मेहनत की अपनी लाइफ में, अल्लाह इसको अजर दे। और ये ना अभी बोल रहे थे, आपको एक बंदा याद आया होगा, डेली रूटीन वाली औरत। मुझे मुझे उर्दू नहीं आता, मैं ठोस पंजाबी हूँ। तो तुसी पंजाबी च गल करो साडे नाल, सब पंजाबी आंदी, मेरे फैंस नु भी पंजाबी आंदी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, हम ठोस पंजाबी बोलेंगे आपके साथ। फिर उर्दू नहीं, पंजाबी है ना। नहीं तो क्या, असि हुण पंजाबी बोलांगे, असि पंजाबी बोलांगे जी, पंजाबी च गल करांगे, पंजाबी च गल करांगे जी। और साडे बुजुर्ग आ, खेडा साहब इधर आओ, इधर आओ जरा, अच्छा चले इधर। डेली रूटीन वाली आपको याद आई थी ना, जब ये उर्दू में बात कर रहे थे। अच्छा सॉरी सॉरी फाइन, चलो बात करो खेलो। अच्छा ये आगे जी हमारे बुजुर्ग यहाँ गांव के, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। अच्छा आगे ये कह रहे सब डरते हैं, आपने क्या कहा था? सब आपसे डरते नहीं, प्यार करते हैं। हाय थैंक यू सो मच। ये है ना, हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही है, नहीं डरता, हाँ जी डरता ना, बच्चा ना बुढ़ा ना कोई औरत ना कोई लड़की, हाँ जी सब मुझसे प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माय फ्लायर मेरी छाड़ अपनी दास, हाँ मैं तो इतनी खुली शर्ट पहनी हुई है, ये देख बहन हाय बेटी कहला ना, कह दिया तो बहन बाबा तू तो बेटी कहला ना, नहीं बोल तेरी नहीं रख दी यार। और गफार भाई को देखो क्या फक्की खा रहे हो, डबू से जाया हुआ है, फक्की खा रहे हो। मैं नहीं खाना फक्की, नहीं
ना हुण गोहा कूड़ा करण नूं मैं ही रह गई हां। नहीं तेरे कोले करवाना ना, मैं नहीं करदी हुण। हुण मैं जदों दी शहर च चली गई हां, हुण मेरा नहीं दिल करदा गोहा कूड़ा करण नूं। चल अज करके ता कोई खा ना, मैं नहीं करना। मैं सीधी जड़ी गल है, मेरे ते हाथ काले हुंदे आ। नहीं नहीं हुंदे, वो हुंदी मेरे हत्थां चो। नहीं हुंदी वो तेरे हत्थां बस, जदों करदे सी करदे सी। हुण नहीं मैं करना। अच्छा अच्छा, लसन लैण आई आ। ठीक हो गया। तमाकू लैण आई आ अबू दे हुक्के वास्ते। ठीक हो गया। ते होर की दवाने दवाना तू सामने है गोल दवा जिने चीजा लैण आई आ कम दियां, बस ओही लैण आई आ। तू गोहा कूड़ा नहीं करना अज, ते को गोहा कूड़ा कराउणा वा। मैं नहीं करना। क्यों नहीं करना तू? अज जो होगी वेखी जाऊगी, लेकिन मैं नहीं। ऐसी दी ते ऐसी लंडले, तू गोहा कूड़ा क्यों नहीं करना? तू दस तू जरा, ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਘਰ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਵਾਵਾ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਆ ਹਣਾ, ਇਹ ਵਾਵਾ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਮੇਲਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਐਵੇਂ 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 ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਪਾਥੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। छोटी जी भी मेरे लड़ रही है। की सिखाया इन्हां नूं? इन्हूं क्या इन्हां नूं की क्या सी के महक आवे तो हत्थी पै जाना? नेक नसीब करे, अल्ला पुत्र भी देवे। ए मुर्गिया कुड़क ते बैठिया वा। कुड़क ते बैठिया वा हना। चल जा चली जा, बच्चा फड़ लो सामने निकल जा। नहीं खुद भी आ, खुद आ जा। हाँ किथे गई है? प्रैंक मेरे साथ प्रैंक। अरे तस्वीर बना फिर की है? हाँ कार्ड कूटे गया। कार्ड होवे ना होवे है कार्ड? हाँ जी बस खलो, इतने खलोगे तो कैमरे चलेंगे। पहले कैमरा छोटा है। सही सही ਹਿਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ? ਜੱਟੀ ਆ ਜਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰ ਖਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੰਦੋ ਸੀ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਬਾਜੀ ਹੈ ਜੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਨਿਕਲੋ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਆਹੋ ਨਿਕਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਣ ਮੱਝ ਝੋਟੀ। ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਹੈ। ਪੂੰਛ ਨਾ ਮਾਰੀ। और इसने क्या दिया है? कट्टी दिती है इन्हें। हेलो हेलो हेलो, ये लो ये लो, आगे आगे आगे, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये पिया। आज क्या हो गया है? ये भैंस के आगे रखना है। ये इसने इसी का जो है ना दूध निकाला है, दो किलो डेढ़ किलो जितना भी है, और उसमें ये क्या है? हालो और अलसी। हालियो अलसी और अलसी और गलकंद और गलकंद इसमें डाली है इसको पलाने के लिए। हाँ ये ताजी है ना, तीन दिन हो गए इसने बच्चा दिया। हालो अलसी और गलकंद इसी के दूध में हल करके इसकी ताजी इसके आगे रख देंगे ताकि ये खाएगी। हाँ चो खान भी मुँह पा ना हौली हौली, ये खाएगी भी। हाँ, और माशाल्लाह दूध भी बढ़ाएगी। हाँ। इतना तो मुझे भी पता है। ए, पूछ तो फाड़।
ਬੰਨ ਫਿੱਡਾ ਚੱਡਾ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ। सिर्फ अभी 2 साल की है और इसने बच्चा भी दे दिया है और माशाल्लाह ये इसकी खिदमत पे है जो इसने मेहनत की है। चला जिसका काम उसी को साजे। मेरा तो हाथ थक गया। देखिए दो चला जाने हम देखिए हम ला भी तू तो हम ट्रेन है हम भी तेरे नाल साढ़े को मिलया जाता है हम ये तो ट्रेन है ना यदा तो काम ही मझा चोना वा असी कड़ा मेरा कड़ा काम मज़ा चोना वा है ना तेरी याद पवे ते रोवा तेरा जिक्र करा ते हसा माया किधरे ना पेंदियां दसा हो बस चोलिया मानो हमने उधर बाहर बैठ के जो है ना हवेली में नाश्ता करना था लेकिन मेरी वजह से लेट हो गए अभी हमें अंदर बैठ के करना पड़ रहा है। और ये देखे अंडे शिमला मिर्च आलू घर का अचार और साथ में दही की चटनी और घर का दही और वो सामने लस्सी लस्सी डालो ग्लास में। और ये दिखाओ देसी घी के घर के पराठे जिस जिसका दिल चाह रहा है ना वो कर सकते हैं हमारे साथ नाश्ता। इमरान भाई ये भी इमरान और ये साथ में जेडी और साथ में सनी और अमजद भाई और ये हमारा गोलू मोलू माशाल्लाह सदके सदके सदके। चलो स्टार्ट करो तालो। मुझे इंतजार रहेगा लाजमी बताना है आपने आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करके आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।